औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 9 आई होप यू ऑल आर फाइन टुडेज़ आवर टॉपिक इज सॉइल एंड टाइप ऑफ सॉइल सॉइल मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स रॉक्स आर ऑफन ब्रोकन डाउन बाय स्ट्रॉन्ग सनशाइन स्वेयर रेन्स एंड फास्ट विंड्स ब्लोइंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग सॉइल क्या है हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो रॉक्स से मिलकर बनी हुई है और रॉक्स क्या है वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं जब उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग सनशाइन पड़ती है बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत तेज़ हवा चले लेकिन ये प्रोसेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है हज़ारों साल लग जाते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है और इसको वेदरिंग प्रोसेस बोला जाता है दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस इस प्रोसेस से क्या होता है रॉक्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और वो फिर सॉइल की फॉर्म में आ जाते हैं अर्थ पर सॉइल इज कम्पोज ऑफ द स्मॉल ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ रॉक मिनरल्स वाटर एंड एयर जो सॉइल है वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक से मिलकर बनी है मिनरल्स होता है वाटर एंड एयर उसके अंदर मौजूद होती है द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज मेड ऑफ द सॉइल जो अपर पार्ट है ना क्रस्ट का हमें पता है हमने पढ़ा क्रस्ट क्या है अपर सरफेस है अर्थ की वो सॉइल से मिलकर बने इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स वेजिटेशन एंड प्लांट्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ जस्ट लाइक एयर एंड वाटर जो अपर पार्ट सॉइल से मिलकर बना है जिसकी सॉइल में हमने पढ़ा कि अभी तक वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है क्रॉप्स की तो वहाँ ग्रोथ होगी क्रॉप्स की वेजिटेशन एंड प्लांट्स होंगे जो इंसानों की और दूसरी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है इसके अलावा अर्थ पर एयर है एंड वाटर है जिसकी वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल हुई है For your information, humus is the organic matter produced by the decay of vegetables, plants and dead animals' matter. It retains moisture in the soil and makes the soil fertile. Humus जो है वो organic matter है ठीक है और वो produce कौन करता है जब vegetables, plants and dead animal का matter क्या है decay होना शुरू हो जाता है और decay मतलब कि अगर वहाँ हमारे पास dead animals हैं या vegetables और plants पड़े हैं तो उसके ऊपर microscopic animals जो हैं वो काम करते हैं और उसको ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस बोला जाता है इसके वजह से क्या होता है जो सॉइल है वो फर्टाइल रहती है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहता है मतलब कि मॉइस्चर मौजूद होगा सॉइल में तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल द टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेन सफिशेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस इट इज़ ग्रे इन कलर बिलो इट इज़ अ लेयर ऑफ सब सॉइल विच कंटेन्स क्ले इट्स कलर इज ब्राउन और अ रेडिश द लोएस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल द सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस मे डिफर इन पार्टिकल साइज वेट मॉइस्चर कलर एंड टेक्सचर जो टॉप लेयर देखें सॉइल की वो उसके अंदर ह्यूमस है वो काफ़ी अमाउंट में मौजूद होता है और वो ग्रे कलर की होता है और उससे जो नीचे जो सब सॉइल की लेयर है वो क्ले होती है वो ब्राउन एंड रेडिश शेड में होती है थर्ड जो लॉयस है वो ग्रेवल है उसमें वहाँ पे ग्रेवल मौजूद होते हैं द जो सॉइल अगर हम डिफरेंट प्लेसेस की ले लें तो हर एक जो है वो दूसरे से चेंज होगा साइज़ के हिसाब से वेट के हिसाब से मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से कलर एंड टेक्सचर्स के हिसाब से Types of soil. You have analyzed the soil sample collected from different places. You have found that the soil samples are different from each other. Basically, there are three types of soil: clay, sand, silt. अगर हम different sample ले लें ना soil की different places से तो हमें easily find करने में find कर सकेंगे कि हर जो soil है वो दूसरी से change है जो soil sample हैं वो एक place के अलग होंगे दूसरे place के अलग होंगे Basically, हमारे पास soil की three types हैं clay, sand and silt. First करते हैं clay. Clay particles are very small in size. The soil is soft, sticky and brownish in color. It can hold more water. It is very hard when dry. It is difficult to plow through it. The wet clay can be molded into any shape. It retains its shape when dried and becomes more harder. It is used to make bricks and pottery. अच्छा जो क्ले है ना वो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है स्मॉल साइज़ के होते हैं सॉफ्ट और स्टिकी होती है ब्राउनिश कलर होता है और इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है
और जब ये ड्राई हो जाता है तो वो काफ़ी हार्ड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर फसलें उगाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो वेट क्ले है उसको किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हैं, और वो जब शेप ड्राई होती है तो वो उसी शेप में रहती है और मोर हार्डर हो जाती है, सख्त हो जाती है। और इसको ब्रिक्स और बर्तन वगैरह मुख्तलिफ पॉटरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज सैंड। सैंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ ग्रे कलर एंड लाइट इन वेट। वाटर इज ड्रेन थ्रो इट रैपिडली। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली सिलिका ग्रेन। द सैंड सॉइल फील्स ग्रीडी एंड कॉर्स। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन इट एज कम्पेयर टू अदर सॉइल। इट इज फाउंड ऑन कोस्टल एरियाज और रिवर बेड्स। जो सैंड है वो बिग पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, ग्रे कलर की होती है, लाइट वेट होती है। वाटर जो है वहाँ उनसे इजीली ड्रेन कर जाता है, यानी ये वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी लो होती है इसके अंदर। और तो क्या होता है कि वाटर जब हम डालते हैं तो इजीली इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाता है। इसके अलावा ये सिलिका ग्रेन से मिलकर बने हुए होते हैं। और अगर हम सैंड को हाथ से करें तो उसका जो हमें टेक्सचर है वो अजीब सा फील होगा, हार्ड सा फील होगा। वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करते अगर हम दूसरी सॉइल से कंपेयर करें ना। और ये जो सैंड है वो बेसिकली कोस्टल एरियाज और रिवर बेड्स के करीब पाई जाती है। सिल्ट, जो सिल्ट है वो सैंड क्ले एंड ह्यूमस का मिक्सचर होता है। स्लेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड क्ले एंड ह्यूमस। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर गार्डनिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। द टेक्सचर इज स्मूथ एंड सिल्की। इट कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन दिस सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट। इट ऑल्सो होल्ड स्ट्रॉन्गली द प्लांट्स रूट्स। वही सैंड क्ले एंड ह्यूमस से मिलकर बनी है होता है, इसके अंदर मिक्सचर है ये। ये गार्डनिंग के लिए बहुत यूज़फुल होती है, वहाँ पर प्लांट्स एंड क्रॉप्स इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसको अगर हम हाथ लगाएं तो स्मूथ और सिल्की फील सा फील आता है, और पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सैंड जो सॉइल है उससे। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो वाटर एंड मिनरल्स जो प्लांट को चाहिए होती हैं उसके लिए इनफ होता है। और इसके अलावा जो प्लांट की रूट्स हैं इसके अंदर इजीली होल्ड कर रखती हैं प्लांट को सॉइल के अंदर। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। एक्सरसाइज करते हैं हम, टिक द करेक्ट आंसर। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। आउटर लेयर को कहा क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। वट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। मेन की कितनी टाइप्स हैं हमें पता है, तीन टाइप्स हैं, सैंड सिल्ट एंड क्ले। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन सी सबसे अच्छी है ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमने पढ़ा जो सिल्ट है वो सबसे अच्छी है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। वट इज़ द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, वो क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमस बनाते हैं ना, हमने कहा डेड ऑर्गेनिज्म पर काम करते हैं, डेड मटीरियल पर, और उसको चेंज कर देते हैं ह्यूमस में। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट एंड एरी रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज, फ्रेश वाटर जो है सिर्फ अबाउट 1% है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। अब सिक्स जो है हमारे पास, वट इज़ द इम्पॉर्टेंट इन द नेचुरल मेन्यू। मेन्यू का इंपॉर्टेंट क्या है नेचुरल, तो क्या है, द डिकेड मैटर। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा। वट इज़ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑयल इज़ यूजफुल टू मेक पॉटरी। वट आर इट्स प्रॉपर्टी। तो क्ले हमने पढ़ा जिससे हम बनाते हैं अपने पॉटरी। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। द सॉइल इज सॉफ्ट स्टिकी एंड ब्राउनिश इन कलर। इट कैन होल्ड मोर वाटर। तो वो स्मॉल साइज का होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, पानी बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच मैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट। कौन सा मैटर आता है, हमारे पास ह्यूमस आता है। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द डिके ऑफ वेजिटेबल्स प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स मैटर। इट रिटेन मॉइस्चर इन द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस आता है वो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिके ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स से आता है, और उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो सॉइल का वो रिटेन रहता है और सॉइल फर्टाइल रहती है। ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अपने तमाम काम नीट कॉपीज पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आपने जितने भी चैप्टर्स थे, आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, आपने तमाम जो काम है अपना नीट कॉपीज पर कम्प्लीट कर लेना है, लर्न भी कर लेना है। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।